और कमलनाथ को लेकर बड़ी खबर, क्योंकि उनके बयान को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर शिवराज का निशाना सामने आया। टीवी 9 भारत वर्ष पर शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला है। इमरती देवी का अपमान कांग्रेस का संस्कार दिखाता है, ये बात शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कही गई है। इमरती देवी के लिए अमर्यादित शब्द बोले गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान कमलनाथ को लेकर, इमरती देवी के आंसू और व्यथा पूरे देश ने देखी है। कांग्रेस मुझे कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस ने एक बहन के सम्मान को तार तार किया। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर यह बड़ा हमला। कमलनाथ के बयान पर जवाब दे सोनिया गांधी। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ा हमला, कमलनाथ के आइटम वाले बयान को लेकर बोला गया। इमरती देवी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, आइटम बोला, अब तो एक नेता का बयान सामने आया जिसमें पूतना से तुलना की है, तो भाषाओं की मर्यादा बहुत ज्यादा नहीं टूट गई आपको लगता है? ये कांग्रेस केस को संस्कार बोल रहे हैं। अब इमरती देवी जी को जिन शब्दों से संबोधित किया गया, वो इतनी आहत थी कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उनकी वेदना, उनकी व्यथा पूरे देश ने देखी। और फिर अब पूतना कह दिया एक और नेता ने उनको, मुझे नंगा भूखा कहे, नालायक कहें, मदारी कहें, घुटना टेक कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बहन को तो छोड़ो, कम से कम उसके सम्मान को तार तार मत करो, जिनने आपके साथ भी कई वर्षों तक काम किया है। ये मर्यादाएं कांग्रेस ने तोड़ी, और आश्चर्यजनक तो ये कि उनकी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी भी इस पे कुछ नहीं बोल रही है। आपने चिट्ठी भी लिखी? मैंने चिट्ठी लिखी, अब तक जवाब नहीं आया। मैं फिर कहता हूँ मैडम से, मेरी पत्र का जवाब दीजिए कि आप कमलनाथ से सहमत हैं। और वहीं कमलनाथ पर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक और बयान दिया गया। इतने ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि कमलनाथ की सरकार को खुद कांग्रेसियों ने गिराया था। कांग्रेस काल में जंगल राज, भ्रष्टाचार चरम पर रहा। कांग्रेस ने चुनावों में जो वादा किया था वो पूरा किया। इस बार चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, ये चुनाव दरअसल हो क्यों रहे हैं आपको लगता है? चुनाव इसलिए हो रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मित्रों ने ही जो उस समय थे कांग्रेस में, इसलिए गिरा दी कि वो अन्याय की अति कर रही थी। जंगल राज था, भ्रष्टाचार का राज था, विकास के काम ठप थे, वादे पूरे नहीं किए गए, वचन निभाए नहीं गए। और जब आदरणीय सिंधिया जी से वचन पूरे करने की बात कही गई, आदरणीय सिंधिया जी ने कमलनाथ जी से वचन पूरा करने की बात कही, तो उल्टा उन्हीं को चुनौती दे दी गई। चूंकि सरकार कांग्रेस के अंदर जो मित्र थे उन्होंने वादा पूरा न करने के कारण, अन्याय के कारण, भ्रष्टाचार के कारण गिराने का फैसला किया। और गिराने का फैसला मतलब उन्होंने अपने कैरियर को दांव पे लगाया। 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, बाकी विधायकों ने इस्तीफा दिया। अब उनके इस्तीफे से जो जगह खाली, इसलिए चुनाव हो रहे हैं। और साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि गद्दारी कांग्रेस ने की थी और प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया गया था। कमलनाथ की सरकार में पैसे लेकर काम होता था। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गद्दारी की, पैसे लिए, तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। इसको लेकर के जनता के बीच आप कैसे जा रहे हैं? गद्दारी कांग्रेस ने की, प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया। बल्लभ भवन में केवल दलाल बैठते थे, बिना लिए दिए कोई पोस्टिंग नहीं होती थी, विकास का काम ठप कर दिया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया कर्ज माफी से लेके नौजवानों को 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने तक के, और इसलिए धोखा कांग्रेस ने दिया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।